नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। नवंबर के अंतिम सप्ताह से कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन मंगलवार को अपने 69वें दिन में प्रवेश कर चुका है। यहां 26 जनवरी से पहले दिल्ली की तमाम सीमाओं पर किसान आंदोलन आसानी से चल रहा था, वहीं अब तमाम सीमाओं पर दिल्ली पुलिस की किलेबंदी और घेराबंदी से किसानों को जरूरी सामान के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हालांकि उनका हौसला अब भी नहीं टूटा है और किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी वे घर वापस नहीं जाएंगे। आज शिवसेना नेता संजय राउत भी किसान आंदोलन का समर्थन करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने देर रात एक कार से 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और कैश बरामद किया। इसके साथ ही कार में मौजूद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, साथ ही कार को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि सोना और कैश गाड़ी की डिग्गी में एक बॉक्स बनाकर रखा हुआ था। इस महीने में अगर कुछ बढ़ा है तो वह है डीजल तथा पेट्रोल के दाम। दोनों पदार्थ जनता की जेब से दूर जाते दिखाई दे रही हैं। लोगों ने अब दोबारा से साइकिल का रुख कर लिया है। जो व्यक्ति कभी बाजार में स्कूटी के बिना नहीं आता था वह आज पैदल या साइकिल पर बाजार घूमता नजर आता है। सोमवार को कस्बे के पेट्रोल पंपों का जायजा लेकर कुछ वाहन चालकों से बात की तो सामने आया कि दोनों पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर अच्छा खासा असर डाला है। फ्रांस की वायुसेना के बाद अब अमेरिका की फौज भारतीय सेना के साथ युद्धाभ्यास करेगी। अमेरिका में जो बाइडन के सत्ता संभालने के बाद पहली बार अमेरिकी स्ट्राइकर ब्रिगेड के 250 जवान युद्धाभ्यास के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। यहां बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 8 से 21 फरवरी तक अमेरिकी सैनिक भारतीय थल सेना की 24 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ युद्धाभ्यास में इन्फेंट्री के कॉम्बैट व्हीकल व हेलीकॉप्टर में भी भाग लेंगे। प्रदेश के 20 जिलों के 90 निकायों में परिणाम जारी होने के बाद अब जोड़ तोड़ के जरिए बोर्ड बनाने की कवायद तेज हो गई है। इन निकाय चुनावों में कांग्रेस के 22 और 7 मंत्रियों की साख दांव पर लगी थी, जिनमें से महज 2 मंत्री और 6 विधायक ही अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाए, जबकि 11 विधायक और 5 मंत्री ऐसे हैं जिनके लिए कांग्रेस का बोर्ड बनवाना साख का सवाल बन गया है। नगरपालिका चुनाव के तहत जारी आचार संहिता का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मंडल के उपायुक्त से निर्वाचन विभाग ने नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओपी बुनकर ने आयुक्त से पूछा कि सलुम्बर आवासीय योजना में LED स्ट्रीट लाइट्स की निविदा जारी की गई थी, जो आचार संहिता का उल्लंघन होकर गंभीर कृत्य है। जिले के फतेहनगर, सनवार, सलुम्बर व भिंडर में 8 फरवरी को उपाध्यक्ष का चुनाव होने तक आचार संहिता प्रभावी है। केंद्रीय बजट में नेशनल टेक्निकल मिशन के तहत 1480 करोड़ का प्रावधान उद्योगों को नई तकनीक से अपग्रेड करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में 100 करोड़ का फंड उपलब्ध कराया गया है। इससे हर जिले में एक्सपोर्ट हब, स्मॉल स्केल के निर्यात उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रावधान का लाभ भीलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्यमी उठा सकेंगे। देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए योजना बनाई है, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिलाने में मददगार होगी। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा बताकर धनाढ्य लोगों को फोन पर जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करने और फायरिंग करने के मामले में जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 8 जनों को गिरफ्तार किया है। 8 आरोपी श्री गंगानगर में LD मित्तल के दामाद पर और रायसी नगर में फाइनेंसर पर फायरिंग करने की घटना में शामिल थे। इसी गैंग ने रजत सिडाना से वसूली के लिए धमकी भी दी थी। पुलिस लाइन में मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि जवाहर नगर पुलिस ने बबलू कडेला उर्फ जयपाल, मनदीप सिंह उर्फ दीपा, नाजम सिंह और आकाश दीप बराड़ को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को शुभम गुप्ता पर फायरिंग करने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह रायसी नगर पुलिस ने गैंग के सरगना आशीष बिश्नोई, अभिषेक उर्फ सोनू, राजदीप बराड़ और अभय सिंह को गिरफ्तार किया है। कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का गुंडा बताकर रायसी नगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में धनाढ्य परिवारों के लोगों को धमकी देकर फिरौती की रकम मेंटने का प्रयास करने वाली गैंग के तार थाईलैंड, कनाडा और UK से जुड़े हुए हैं। वहां बैठे गैंग के सरगना ऑनलाइन यहां की गैंग के संपर्क में रहते थे। विदेश से यहां गैंग का कामकाज देखने वाले आशीष बिश्नोई को कई बार पैसा भेज चुके हैं, लेकिन आशीष बिश्नोई ने अपने साथियों को कभी मोटी रकम का भुगतान नहीं किया। आशीष अपनी गैंग के साथियों को एक घटना को अंजाम देने के लिए 2 से 3 लाख रुपए देने का झांसा देता था, लेकिन कभी रकम का भुगतान नहीं किया।
पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में फायरिंग करने वाले युवक वारदात के बाद युवकों को शरण देने, हथियार उपलब्ध करवाने और फरारी काटने में सहयोग देने वाले युवक भी शामिल हैं। गैंग को पकड़ने में डीएसटी टीम का अहम योगदान रहा। कोरोना का संकट टलने के साथ तमाम तरह के प्रतिबंध लगभग हटा दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार की गाइडलाइन के आधार पर जिला प्रशासन ने भी आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत कक्षा 1 से 5वीं की नियमित कक्षाओं पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध रहेगा। कक्षा 6 से 8वीं तक स्कूल 8 फरवरी से खुल रहे हैं। कोरोना को लेकर जारी एसओपी की पालना जरूरी होगी। शिक्षण संस्थाओं में क्षमता से 50% ही विद्यार्थी कक्षाओं में बैठ सकेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सिनेमा हॉल, धार्मिक आयोजनों एवं विवाह शादियों में 200 से अधिक व्यक्ति भाग नहीं ले पाएंगे। श्री गंगानगर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक मंगलवार को श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें जनता जल योजनाओं के जल संबंधों की सूचियां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को उपलब्ध करवाने की प्रगति, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जल जीवन मिशन में सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों का समन्वय अति आवश्यक है। जनता जल योजनाओं की प्रगति के लिए विकास अधिकारी जल संबंधों की सूचना अविलंब जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भिजवाएं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और पूल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में जिला मुख्यालय के सिनेमा हॉल में भी प्रबंध किए गए हैं। सिनेमा प्रबंधक बताते हैं कि इसके लिए हमारे यहाँ सैनिटाइजर और डिजिटलाइजेशन सहित कई तरह के प्रतिबंध किए गए हैं। इसके साथ ही अभी व्यवस्थाएं बनाने के लिए मानक संचालन व्यवस्था तैयार की जा रही है। शहर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव स्थित पीवीआर सिनेमा के प्रबंधक मनीष कुमार बताते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंधक किए गए हैं। शहर के रिद्धि सिद्धि एनक्लेव स्थित पीवीआर सिनेमा के प्रबंधक मनीष कुमार बताते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए हैं। टिकट और अन्य तमाम व्यवस्थाएं डिजिटल होंगी। सीजीआर मॉल स्थित गोल्ड सिनेमा के तुषार बताते हैं कि उनके यहाँ सिनेमा शुरू करने पर अभी विचार चल रहा है। राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है। जीआरजी गणेश सिनेमा के संचालक विजय गोयल बताते हैं कि कोरोना संकट के बाद अभी सिनेमा हॉल शुरू नहीं करना चाह रहे हैं। अभी वर्तमान दौर में दर्शकों का संकट रहेगा तथा साथ ही फिल्म का प्रबंध करने और अन्य व्यवस्थाओं के बाद ही शुरू करने के बारे में विचार किया जा सकता है। श्री गंगानगर में लोक परिवहन सेवा के निजी बस संचालकों के मनमाने आचरण के खिलाफ चल रहा रोडवेज कर्मचारियों व श्रमिकों का आंदोलन समाप्त हो गया है। इसी के साथ मंगलवार सुबह से रोडवेज बसों का पहिया फिर से चल पड़ा। इससे रोडवेज यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि 4 दिन से चल रहे इस आंदोलन समाप्ति की घोषणा कल शाम को रोडवेज श्रमिक यूनियनों के संयुक्त मोर्चा प्रशासन व लोक परिवहन संचालकों के साथ वार्ता के बाद ही कर दी गई थी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन श्री गंगानगर जिला परिवहन विभाग के परिसर में किया गया। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ सहित अन्य अतिथियों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए विधायक गौड़ ने कहा कि 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जारी रहने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत उक्त कार्यशाला का आयोजन महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।